रख लिया करो यार वो कोई बड़ी बात नहीं है बट आर वी डन आर यू लाइव नाउ आई वॉन्ट दिस चैट स्क्रीन फ्रॉम माई साइड एज वेल हाँ ठीक है असला एवरी वन दिस इज अ वीडियो सीरीज बेस्ड ऑन जो यू पी एस सी ने कंडक्ट करा था जी एस टू पेपर दैट इज ऑफ सी सैट आई एम गोइंग टू टेक अप एंड रीजनिंग पोर्शन ऑफ दैट एंड वी आर गोइंग टू गिव द दोल्यूशन टू दैट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सोल्यूशन क्या है इसके इंपॉर्टेंट ये है जो हमने पढ़ा है या जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं या आप यहां पे बैठे हैं वो ये देखें आर यू एबल टू रिलेट इट विद वॉट वी हैव स्टडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लेवल इफ एस सी यू पी एस दिस लेवल थ्री नॉट्स अप फोर नॉट्स कैन एक्सपेक्ट जेके एस टू ऑल्सो डू यू अंडरस्टैंड सो स्टडी इट विद हार्ट study it properly concepts the and make it fun and i will just show you how you should have been solving this paper second thing how many questions do you have 80 questions and how many marks it, does it carry so 2.5 marks per question and you have uh, yes you can share it you can share the link you can share the link in the group as well so the thing is if you mark one wrong answer you will be deducted one by third of that isn't it तो आप अगर देखेंगे इसको आपको सारे सवाल सॉल्व देखेंगे व्हाट इज थर्टी थ्री परसेंट ऑफ टू हंड राउंड अबाउट सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्सटी सेवन सो यू हैव टू स्कोर सिक्स मार्क्स यू डोंट हैव टू यू नो आंसर एवरीथिंग दिस पेपर इज नॉट फॉर आंसरिंग एवरीथिंग इफ यू नो एवरीथिंग वेल एंड गुड बट यू हैव टू बी वेरी शार्प यू शुड नो दैट वॉट टू सेलेक्ट एंड वॉट नॉट टू सेलेक्ट अब यहां पर मैं आपको यह बताऊंगा आपको पहले यह भी पता होनी चाहिए आपको क्या उठाना चाहिए कौन सा क्वेश्चन लेना चाहिए कौन सा

रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बी का ठीक है तो अब अगर आप यहां पर चले गए आपको दिया है ए एंड बी आर मैरिड कपल्स मैंने बोला ठीक है यार ए एंड बी आर मैरिड कपल्स ए और बी क्या है जेंडर ऑफ दीज आर नॉट नोन डी इज अ फादर ऑफ सी मैंने अलग से यहां पर डी नहीं है तो मैंने अलग से बनाया डी जो है फादर है किसका सी का आप देखिए यह स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है ये स्टेटमेंट अलग है रिलेशन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स अभी पता नहीं चल रहा है और मुझे यह भी नहीं पता क्या ये इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है हमें ई e और बी को पकड़ना है बी तो प्लॉट पे है ई e अभी कहीं नहीं है आगे चला मैं ई इज डी सन अब e जो है वो डी का क्या है बेटा है बेटा तो यहां ई e आ गया और ई e जो है बेटा किसका है डी का अब ये वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका बता सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पे आपको जेंडर भी डिफाइन हो गया और ये भी पता चला किसका बेटा है एनीवेज कम टू दिस पॉइंट A एंड C आर सिस्टर्स अब देखिए यानी A और C अगर सिस्टर्स है अब आपको इसका भी जेंडर पता चल गया और इसकी वजह से आपकी लिंक मर रही है ऊपर वाले और नीचे वाले में डू यू अंडरस्टैंड अब इधर देखो इसका मतलब ये हो गया अगर मैं यहां पे अब बनाऊं यहां से देखिए A वाज मैरिड टू B A B एंड C आर सिस्टर्स A एंड C आर सिस्टर्स और B एंड C A एंड C आर सिस्टर्स तो इसका मतलब यहां पे देखते हैं बी है ये यहां पे ए है मैरिड कपल थे ए एंड सी आर अब सी का ये आपका ई e बाई आ गया एंड ये जो है इनका फादर है अब आप बोलेगे सर हमें फादर को क्या करना था फादर को कुछ नहीं करना था लेकिन इसकी वजह से मुझे ये लिंक बन गया इसी फादर की वजह से मुझे सी और ई e के बीच में लिंक बना इसी लिंक की वजह से जो दूसरा चीज दिया था वो मुझे पता चल गया ये मेल मेंबर बन गया डू यू अंडरस्टैंड तो आपने क्या देखा आपने ये देखा अगर एक भी स्टेटमेंट को तुम रिमूव करोगे

होप यू आर गेटिंग इट इज इन डेड ओके आगे चले गए ना कमिंग टू दिस वन ओके दिस वन मोस्ट ऑफ द पीपल लेट मी टेल यू दिस वन ये मैं बता देता हूं बड़ा ही टिपिकल सा सवाल दिया हुआ है ठीक है एंड दिस इज नॉट दैट इजी इफ यू विल सी इट इन एन एग्जामिन नाउ ही सेइंग दैट यहां देखिए ऊपर क्या लिखा है अ बॉक्स कंटेन्स हाउ मेनी ब्लैक बॉल्स 14 ब्लैक बॉल्स पूरा सुनिएगा क्या कह रहा है चौदह ब्लैक बॉल्स ट्वेंटी ब्लू बॉल्स ट्वेंटी सिक्स ग्रीन बॉल्स ट्वेंटी एट येलो बॉल्स थर्टी एट रेड बॉल्स एंड फिफ्टी फोर वाइट बॉल्स ये आपको दिए गए हैं ठीक ठीक फिफ्टी फोर है इट्स नॉट सिक्सटी फोर इट इज फिफ्टी फोर

Do you understand? इतना ही अगर आपको बोलेगे कह रहा है एक सबसे मिनिमम नंबर बोलो जो तुम बॉल्स इसमें से निकालोगे उसमें क्या होना चाहिए रेंडमली निकालिए मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एट लीस्ट वन कलर मस्ट कंटेन क्या बोल रहा है मस्ट कंटेन कितना वन फुल ग्रुप डू यू अंटरस्टैंड वॉट इज अ फुल ग्रुप फुल ग्रुप समझ आता है क्या है क्या होता है फुल ग्रुप मान लो वाइट का है 54 अगर बॉल्स मान लो मैंने 200 बॉल्स निकाली उसमें से पूरी की पूरी 54 आ गई यानी हमारा एक ग्रुप डू यू ऐसे मतलब होता है यानी कितनी बॉल्स निकालोगे सारी का सारा एक कम कम 54 54 54 क्या थी वाइट ना, ना ये होना चाहिए डेफिनेट आंसर इतनी बॉल्स निकालो कि कभी भी उतनी बॉल्स निकालो 100 परसेंट तुम्हारा ए ग्रुप कंप्लीट होना चाहिए बताइए इतना क्लियर है अब देखो क्या करेंगे हम मैंने क्या कर रहा हूं मैंने इन सब को ऐसे कर रहा हूं इधर से नजर रखिएगा मान लीजिए मान लीजिए मैंने ये सारी बॉल्स जो है अंडरस्टैंड कीजिएगा मान लो मैंने इसमें से निकाली फिफ्टी थ्री बॉल्स कितनी निकाली फिफ्टी थ्री बॉल्स इसमें से निकाली मैंने थर्टी सेवन बॉल्स मतलब मैं एक एक कम कर रहा हूं रीजन बताता हूं कम क्यों कर रहा हूं इसमें निकाली ट्वेंटी सेवन इसमें ट्वेंटी फाइव इसमें कितनी उन्नीस बॉल्स ठीक है इसमें कितनी उन्नीस बॉल्स और इसमें निकाली मैंने तेरह बॉल्स आप समझ गए मान लो मैंने इतनी बॉल्स इकट्ठे निकाल दी क्या निकाली मैंने इतनी बॉल्स में से कितने कम किए मैंने यानी कोई ग्रुप मेरा कंप्लीट इतना क्लियर है या नहीं है? क्योंकि इसमें कितनी बॉल्स होगी 53 इसमें कितनी होती आप जरा पहले ये ऐड करो कितना होता है थर्टीन प्लस नाइनटीन इज 25 इज 57 57 प्लस इज 84 84 प्लस दिस इज 121 121 प्लस 53 इज 175 यानी ये आ गए तुम्हारी 175 बॉल्स यानी अगर तुम 175 बॉल्स निकालोगे कितनी बॉल्स 175 तो इतना तो क्लियर है कि आपका कोई ग्रुप अभी यहां पे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि 175 से ये हो रहा है कि मतलब आपका कोई ग्रुप बराबर नहीं आएगा मे बी आपने इसमें से 54 निकाला होता कोई ना कोई ग्रुप वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स जो हमें डेफिनेटली ए ग्रुप तो हंड्रेड परसेंट हमने क्या किया इसमें 175 में एक एक सब में एक-एक सब कम है मान लो मैंने क्या किया मैंने एक और बॉल जोड़ दी कितनी जोड़ी अब जो भी तुम जोड़ोगे इसमें मान लो ब्लैक जोड़ दी इसमें कितनी ली थी मैंने थर्टी क्या वो फोर्टीन हो जाएगी ए ग्रुप कंप्लीट या छोड़ो ब्लैक ब्लू ले लिया एक बॉल जोड़ दी क्या वो कंप्लीट हो जाएगा वो समझ आ रहा है यानी यानी अगर तुम 176 बॉल्स लेते तो गारंटीड है ग्रुप 100 परसेंट कंप्लीट होता ही होता बताओ क्लियर है या नहीं समझ आ रहा है या नहीं मैं क्या कह रहा हूं तो ये आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन था आपने बोला सर बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वन आ रहा है इसका एडिशन कितना आ रहा है समझ आया यहाँ अब जरा दूसरा वाला पढ़ो द स्मॉलेस्ट नंबर है अब आप बोलोगे सर ये स्मॉलेस्ट कहाँ से बना इस वाले केस में स्मॉलेस्ट इसलिए बना अब अगर तुमने एक बॉल और एक्स्ट्रा लिया होता तो हंड्रेड परसेंट तुम्हारा ग्रुप कंप्लीट आप दो बॉल और ले लो तीन बॉल और ले लो ग्रुप तो कंप्लीट हो ही जाएगा लेकिन मिनिमम क्या था वन सेवेंटी सिक्स Do you understand? दूसरा वाला पढ़ते है। the smallest number M, एक M ले लिया, such that any M balls drawn, हमने M balls निकाली इसी बैग में से इसी इसी में से निकाली मस्ट कंटेन लीस्ट वन बॉल यानी एक बॉल ऐसी होनी चाहिए ऑफ ईच कलर यानी हर कलर की बॉल आप समझे यानी हर कलर की बॉल होनी चाहिए मुझे अब एक चीज बताओ आप एक काम करते हैं यहां से नजर रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं मान लो मैंने क्या किया मुझे मिनिमम निकालना है लेकिन ये ऐसा आंसर आना चाहिए कि ये डेफिनेटली आपको आंसर देना ही देना चाहिए मान लो मैंने इसमें से 54 बॉल्स निकाली इसमें से बराबर 38 निकाली इसमें से इसमें से इसमें से मैंने इतनी बॉल्स निकाली एक कलर को मैंने पूरा क्या कर दिया छोड़ दिया मैंने अगर मैं इतनी बॉल्स निकालता डू यू अंडरस्टैंड ये कितनी बॉल्स हो गई 92, 92 और ये कितना हो गया एक is अब अगर मैं एक बॉल और निकालू तो वो कौन सी आएगी फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ही आ जाएगी या नहीं आएगी और तो नहीं आ रही है बात तो आपके ओवरऑल जो आपका आंसर है क्योंकि अगर आपने इतनी निकाली होती यू अंडरस्टैंड इसमें आपकी श्योरिटी आती आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया मैंने मिनिमम नंबर निकालने की कोशिश की मिनिमम नंबर दैट विल डेफिनेटली गिव मी एन आंसर मैंने सारी बॉल्स ले ली और मैंने एक बॉल एक्स्ट्रा ले ली बिकॉज दिस विल गारंटी क्योंकि अगर ये एक बॉल एक्स्ट्रा आ गया तो इतनी बॉल्स तो हमारे पास थी ही और इस एक की वजह से गारंटी हो गया कि एक सेट जो है यानी एक ऐसा ग्रुप बन गया जिसमें सारी के सारे कलर्स डू यू अंडरस्टैंड और नॉट आप शफल करके भी कर सकते थे इसको डू यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम सिंग आप शफल करके भी इसको कर सकते थे आधे बोले कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया 14, 20, 26, 28, 28 इसको लिया ही नहीं फिर एक बॉल लेकिन वो जरूरी नहीं है आपका आंसर देगा मैंने मिनिमम वाले को पकड़ा हुआ है इज इट क्लियर तो आपने कितना बोला 167 देखिए मैं यहां पे उतना ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं बिकॉज पेपर रिव्यू इट इज नॉट टीचिंग यू राइट नाउ बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई लेवल बेस्ट थोड़ा थोड़ा जल्दी हो जाए तो योर आंसर विल बी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आई होप दिस इज क्लियर समझ आया ठीक है But this was a good question. This was a difficult question for many of you. Many of you. uh Coming to this one, just have a look here. Zero is written as. How many बार-बार आपको बोला ये आपका zero है। इसको कैसे लिखा गया है? C H U R. C H U R. Z किसके बराबर सबसे पहले मैंने आपको बोला इनका प्लेस वैल्यू लिखा करो ये आपका पांच है ये आपका अठारह है ये आपका है अगर आप इसको देखेंगे अगर आप अच्छे से देखेंगे इसको तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा यहां प्लस थ्री हुआ है क्या आपको ये नहीं दिख रहा यहां प्लस थ्री हुआ है क्या यहां पे प्लस थ्री नहीं हुआ अब आप बोलेगे सर ट्वेंटी सिक्स से थ्री जा रहा है मैंने आपको बार बार बताया है ट्वेंटी सिक्स से जो लास्ट वन अगर आप एक ऐड करेंगे 27 होता है लेकिन वही 27 आपका ए होता है इज इट क्लियर 28 आपका बी होगा तीन ऐड करने पे क्या आ जाएगा सी आ जाएगा यानी थ्री आ जाएगा क्योंकि अगर आपने 26 को क्या ऐड किया थ्री ऐड किया ये 29 होता है लेकिन बेसिकली 29 जो होता है आप माइनस जब 26 से करेंगे क्योंकि हमने इसको यही किया था माइनस क्योंकि जेड तो 26 तक होता है उसके बाद बचा कितना आपका यानी आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए था सी यानी तीन बिल्कुल आपका प्लस थ्री चीज को, प्लस थ्री, प्लस थ्री आप को देखेंगे देखे, तो आपका ओ ए को, को प्लस थ्री किया तो वो हो गया डी यानी चार वाई को प्लस थ्री किया वो हो गया ट्वेंटी फाइव तो वो हो गया आपका बी उसके बाद ई e को आपने क्या किया प्लस थ्री किया कितना आएगा आठ आएगा वो हो गया आपका एच और आपका आर को प्लस थ्री किया वो आपका आ गया यू दिस इज योर आंसर कहां पे है ये वाला डी वाला, वाला, वाला ये आपका आंसर बन गया आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीबडी यस और नो वंडरफुल दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन अगेन यू कुड हैव डन इट वेरी इजीली वी हैव स्टडीड दिस यस और नो वी हैव स्टडीड बेसिकली दीज थिंग्स वो पहला वाला जो है रैंडम बॉल्स वो प्रॉबलिटी में हो जाएगा क्योंकि अभी आप लोगों ने बहुत सारे कॉन्ट वो नहीं पड़ा है वो में नहीं यंगेस्ट एफ इज यंगर डी एफ इज अब उसके बाद बोल रहा है कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबो आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द ओल्डेस्ट पर्सन और पर्सन ठीक है या तो एक होगा या तो दोनों क्योंकि यहां पे दिखा मुझे सी तो यही शायद बड़े हो गए सबसे ज्यादा तो इसीलिए इन्होंने लिखा था। Anyways, we will see इसको बनाया करो। ऐसे बनाते हैं है. इधर लिख रहा हूं ए इज ओल्डर यहां पे लिखा ए बी से बड़ा है मैंने लिख लिया पहला स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट है फिलहाल और याद रखना जब आपको निकालना है oldest? Oldest मतलब हो गया हर किसी के बीच में लिंक होनी चाहिए हर किसी के बीच में ओल्डेस्ट आप दो को पकड़ के नहीं बता सकते हर एक के बीच में लिंक होना चाहिए यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है ई इज द यंगेस्ट ई सबसे छोटा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भी है आप इसको तो कभी नेगेट कर ही नहीं सकते क्योंकि ई अगर सबसे छोटा लिखा है यानी सबके मुकाबले सबसे छोटा ये तो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इज इट क्लियर और नॉट ठीक है अब यहां पर आप देख सकते देखो ओनली वन अगर आप लिखते ना हाउ मेनी रिक्वायर्ड ये तो बिल्कुल गलत होता क्योंकि ई तुम्हारा जरूरत है आप समझे मेरी बात को क्योंकि ई बड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसे भी अगर आप देखेंगे आपने लिखा ओनली थ्री इज रिक्वायर्ड नो ओनली थ्री के नॉट भी रिक्वायर्ड बिकॉज इज द यंगेस्ट ओल्डेस्ट कैसे पता चलेगा ओनली फोर इज रिक्वायर्ड ओनली फोर इज रिक्वायर्ड सर कैसे पॉसिबल है ये तो हमें वैसे भी पता बड़ा ही अकल की बात है इसका आंसर ऑल फाइव आ जाता ये हो गया बेहतरीन तरीका सीधे देखने का दूसरा तरीका ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं

अब देखो, A, A को ऐसे लिख लिया से तो मैंने यहां पे पकड़ लिया यानी डी एफ से बड़ा होगा बोलो क्लियर है हर स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है अब आगे देखेंगे सर सी और डी क्या है बराबर है अभी भी रिलेशन सबसे बड़ा नहीं निकला था इज द यंगेस्ट यानी वो सबसे छोटा है बोलो क्लियर है सारे आपके स्टेटमेंट जो थे रिक्वायर्ड थे बहुत ही आसान सा था मतलब अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया था बट आई विल नॉट कंसिडर आर वेरी वेरी गुड स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे हैव एप्सलूटली टेकन अप दिस फोर फाइव लेवल्स अप एब्रप्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर इज इट क्लियर बट वी हैव ऑलरेडी स्टडी द यही मैं बोलता रहता था जिसको कुछ बच्चे बोलते हैं सर इतना डिटेल्ड नहीं होता है

अगर आप इनको स्टडी करेंगे हमें देखना है कौन ग्रुप दूसरे से डिफरेंट है अगर आप सत्रह देखेंगे सैंतीस देखेंगे फोर्टी सेवन पहले ही मुझे दिखाई सारे प्राइम नंबर है हा? प्राइम नंबर आप ऐसे भी देख सकते अगर सिर्फ एक को देखोगे आप बोलोगे सारून सारु, के लास्ट पे सात 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 लगाओ अभी लेकिन आगे देखो थर्टी वन फोर्टी वन फिफ्टी ये भी मुझे प्राइम नंबर देखे ये तो पता है हमें प्राइम नंबर है प्राइम नंबर फाइंड भी अगर तुम्हें नहीं पता हो कि प्राइम नंबर क्या है ठीक है कोई नंबर प्राइम है या नहीं है जैसे कोई बड़ा सा दिया तो उसके नियरेस्ट देखा करो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है याद करो और फिर देखो वहां तक फैक्टर्स कितने क्या वो कट रहे हैं नहीं कट रहे नहीं कट रहे, नहीं कट रहे हो तो तुम्हारा वो प्राइम नंबर होगा 71, 73, 79 फिर से प्राइम नंबर 83, 89, 91, 7, 13, 91 आपने बोला सर ये हमारा बिल्कुल इसके जैसा नहीं है तुम्हारा आंसर आ गया डू यू अंडरस्टैंड यस और नो एवरीबडी ठीक है आप समझ गए ठीक है ये भी सिंपल वाला था मतलब अभी अभी तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं सारे ये आ गया तुम्हारा ये जो भी है ठीक है पढ़ लीजिएगा हमें इसके साथ कोई लेना देना हो अब इधर देखो मुश्किल सवाल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन 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 वी हैव टू कंसिडर हैव टेकन इट सो लाइटली एंड रियली नॉट द केस एंड दिस इज नॉट ए ये कह रहा है सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं देन इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू बाई एक काम करो ना ग्रेटेस्ट कैसे निकलेगा मेरे पास नंबर कितने ओ भाई बड़ा आसान है ये ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है पी क्यू आर और एस इन चार से हमें सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे बड़े डिजिट से ही ले लेते हैं यानी सबसे बड़ा डिजिट क्या आ सकता है आपका या तो नौ होगा या तो आठ होगा या तो सात होगा अब कौन किसका है वो मुझे नहीं पता कौन किसका है वो मुझे नहीं पता लेकिन इतना मुझे पता पी क्यू आर एस को मैं नौ आठ सात छ ही ले लूंगा क्योंकि यही मुझे सबसे बड़ा रिजल्ट दे देगा चार तीन दो एक थोड़ी देगा सबसे बड़ा देखना है अब देखो अब निकालना क्या है पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस अब बनाओ कॉम्बिनेशन खुद से एक कॉम्बिनेशन ये बन सकती थी नाइन प्लस एट इंटू सिक्स प्लस सेवन ये बन गई एक कॉम्बिनेशन है या नहीं दूसरी कॉम्बिनेशन ये भी बन सकती थी इधर देखिए नौ को यहीं पे रखा नाइन प्लस सिक्स इंटू यहां पर क्या बन गया एट प्लस सेवन दूसरी कॉम्बिनेशन ये भी बन सकती थी 9 7. आप समझ रहे हो यहां पे क्या बनेगा क्या क्लियर है या नहीं है टफल हो गया सारा टफल हो गया सारा और कोई बन सकता है नहीं यही बनेगी कॉम्बिनेशन ये उधर से इधर सेम आ जाएगा बाद में डू यू अंडरस्टैंड अब यहां से देखिए अब आपने बोला सर ये कितना है 17 17 into आपने बोला 17 into 13 पहला नंबर इधर देखो दूसरा 15 इंटू पंद्रह पंद्रह इंटू पंद्रह तीसरा आपका 16 इंटू फोर्टीन सोलह इंटू फोरटीन अब सवाल देखो कैसे करते हैं? 17 इंटू थर्टीन अगर करना हो 17 इंटू टेन होता है 170 17 सत्तर सेवनटीन इंटू होता है 51 170 51 सौ वन इसका आंसर तुम्हारा 221 अगर तुम्हें टेबल याद ना हो 15 15 सबको पता 225 और इसका 160 80 64 दैट इज 224 सो योर आंसर हैज टू बी 225 इफ दैट इज इन योर ऑप्शन 225 डू यू अंडरस्टैंड यस और नो बट आपको ग्रेटेस्ट निकालना है ना ग्रेटेस्ट वैल्यू समझे या नहीं समझे सबसे बड़ा कौन सा बन गया 225 क्या क्लियर हुआ अदरन ये कोई सुन रहे हैं यहां पे हमारा चल रहा है ना दिखा ये दिखाइए एक बार anyone who is live all right if anybody is listening to me they can also post it down okay आगे चले ऑल राइट हियर कम्स द नंबर हमने डिविजिबिलिटी में बताया हुआ है एक नंबर बनाया मैंने आपको बार-बार बोला भाई अगर कोई भी नंबर तुम किससे बना रहे हो रिपीटीशन हो रही है क्या हो रही है Repetition हो रही है मैंने आपको इससे पहले भी बताया मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर मुझे लू ये भी कटेगा आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोलते हो मैं इसका रीजन बताता हूं पढ़ा भी रहा हूं साथ ठीक है सिर्फ आंसर नहीं दे रहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं थ्री थ्री जीरो जीरो प्लस थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई इलेवन

एक ग्रुप बनाओ वो भी बराबर कट जाएगा बिकॉज यू कैन राइट इट है जब आपका क्या आता है रिपीटेटिव फॉर्म में. एक नंबर बनाया हमने. किससे बनाया नौ no, कितनी बार लिखा हमने ये नाइनटी नाइन टाइम्स लिखा डिवाइड किससे कर रहे हो अब तेरा से प्रॉपर्टी है आपको मैंने बोला सर अगर आपको याद भी होगा तो वेरी गुड तो अगर आप छे बार लोगे नाइन को सिक्स बार नाइन लोगे नाइन 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 बराबर होता है किसेन देखोगे क्या से है नहीं है क्या क्या देगा अगर no. अगर तुम दो लोगे लोगे यानी होगा होगा तुमने तीन नाइन लिए डिवाइडेड बाई थर्टीन तो रिमाइंडर तुम्हारा ग्यारह डू यू अंडरस्टैंड ऐसे ही तुमने चार नाइन लिए पांच नाइन लिए आप समझ रहे हैं मेरी बात को ठीक है क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है हा? आपने बोला सर लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो देखो मैंने अभी लिया है नाइन 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 आपने बोला मुझे नहीं पता थी ठीक है मुझे याद नहीं था तो मैं कैसे करूं ऐसे फिर डिवाइड करने बैठू ना ना डिवाइड थोड़ी करोगे मुझे एक चीज बताओ तुम लोग इसको कैसे कर सकते थे तुम लोग तुम इसको अलग अलग भी देख सकते थे इज इन पहले आपने नाइनटी का लिया देख लिया ऐसे नाइन अगर याद ना हो Divided by 13, plus क्या किया 99 divided by, अब जब तुम 9, 9, 0, 0 का देखोगे किसका देखोगे किसका देखो यानी तो बराबर कट जाता मैंने पढ़ाया हुआ है जो मुझे आज सुन रहे हैं शायद उनके लिए मुश्किल हो ठीक है वो तो बराबर कट जाता बचा कितना आठ सौ थर्टीन के टेबल में क्या आता है, 78 आता है? 78 आता है तो तुमने बोला 13, जार, कितना आ गया ट डू यू अंडरस्टैंड सेवन सेवन एटीट डू यू अंडरस्टैंड यानी 780, 780 आता 20 बच जाता एक और बार तुम्हारा क्या आ गया 13 आ गया रिमाइंडर कितना आ गया? से आ गया गया यानी यहां यहां से से हमने अभी देखा रिमाइंडर कितना था कबाश कितना था यहां से आठ आठ और सात कितना रिमाइंडर बनाते हैं यह बन गया तुम्हारा टोटल तुम्हारा प्लस में है पंद्रह ये रिमाइंडर देगा टोटल तुम्हारा दो डू यू अंडरस्टैंड आप एक बार और जोड़ेगे डू यू अंडरस्टैंड एक बार आ रहा है इतना याद रखो जब नाइन 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 को तुम देखते हो बिकॉज दिस इज नॉट द क्वेश्चन विच यू मस्ट हैव सॉल्व इन वन मिनट और थर्टी सेकेंड एवन इफ यू आर टेकिंग दैट इज वाई आई सेट चूजिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू आर डूइंग एंड विच यू आर नॉट बट दिस वन यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन रिपीटन ऑफ नंबर्स आर यू गेटिंग इट वट टाइम्स एक तो आपने देखा सर 69 के बाद जो है बराबर तेरह से कट जाता है मुझे एक चीज बताइए अगर 69 नौ जो है वो बराबर तेरह से कटते हैं तो मुझे बोलिए क्या 69 नौ यहां देखिए 69 नौ बराबर किससे कटते हैं तेरह से कटते हैं तो हर 6 अगर मैं और लिखते जाऊं ग्रुप्स ऑफ सिक्स तो वो तेरह से बराबर कटते होंगे रिमाइंडर जीरो आता होगा तो मुझे बोलिए नियरस्ट नंबर हमारे पास ये कितने नाइनटी नाइन अरे 99 है या नहीं है अगर 99 है तो इसका मतलब है 96 टाइम्स तक, 6 into 16, groups, वो बराबर आपका तेरा से कटेगा बोलो क्लियर है या नहीं है और बचा क्या फिर तुम्हारा मतलब मैंने लिखा आर यू गेटिंग इट यस और साथ में इसको क्या डाल दिए तीन जीरो बराबर कट जाएगा बचा क्या तुम्हारा नाइन 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 और आपको पता है जब आप इसको डिवाइड किससे करते हो तेरह से करते हो तो रिमाइंडर क्या बच गया ग्यारह अभी देखा हमने इज इट क्लियर तो आपका रिमाइंडर इसमें ग्यारह आ जाएगा इज इट क्लियर या सर नो क्लियर हुआ हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट वंडरफुल आगे चलो ये मैं थोड़ा थोड़ा सिखा भी रहा हूं अपडेट भी हो रहा है ओके कमिंग टू दिस वन नाउ दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेवन इज इट प्रॉपर्टी ऑफ वन ये देखो नॉट अ बिग डील कितने डिजिट नंबर है किससे बना है एच डिजिट ऑफ नाइन डिजिट नंबर इज वन 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 ये बनाया हमने इट इज मल्टीप्लाइड बाय इट वापस हमने किसे किया इज इट क्लियर ये तो सीधी प्रॉपर्टी है अभी बताया मैंने तुम्हें मैंने कैसे तुम्हें बताया था कैसे करना चाहिए इसको अब सारे बताइए मुझे जैसे आप लिखते हो इधर से इधर से सारे नजर मैंने लिखा वन इंटू वन इंटू कितना होता है मैंने लिखा इलेवन इंटू एलेवन कितना होता है वन ट्वेंटी वन अगर मैं लिखू इलेवन इधर से नजर रखिएगा मैं वन 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 इंटू वन 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 थ्री नौ वन टू थ्री टू इज एट दिस इज वॉट यू गेट मैं ऐसे भी आपको बता सकता था आई कैन डू इट इन डिफरेंट वेज बेसिकली बट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग जब आपने वन वन लिया तो आपका आंसर क्या आया वन डेड जब आपने यहां पे वन वन लिया दो बार वन लिया तो आप क्या देख रहे हो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर ये वापस डिक्रीज हो रहा है कब के बाद दो के बाद जब आपने तीन लिया तो तीन तक इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है अ अकल की बात है अगर तुम करते जाओगे ये तुम्हारा नौ तक है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जितने भी है ये ठीक है इन कर रहे हो वापस इसे तो पहले तुम्हारे क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर वापस कम गेट और इसका आंसर तो वही है जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में तुम देखते हो जैसे मैंने किया वन 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 इंटू वन 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 ये रीजन क्या आता है ये पहले कम आता है फिर बढ़ता जाता है ये रीजन ये है वन इंटू वन कितना होता है वन वन इंटू वन कितना होता है वन इधर मैंने इधर क्रॉस लगाते थे फिर फिर से वन इंटू वन इंटू वन ये देखो ये वन आ गया यहाँ पे फिर एक और क्रॉस वन 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 डू यू अंडरस्टैंड पहले वाले में वन फिर एक ऐड होगा फिर एक और ऐड होगा फिर एक आ, फिर डिक्रीज होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा डू यू अंडरस्टैंड यही कॉन्सेप्ट था इसमें आपको बो रहा कह रहा है सम इसका कीजिए किसके इस वाले डिजिट्स का सम कीजिए आधे ये वाला क्वेश्चन बहुत सारों ने किया होगा लेकिन इसमें टाइम काफी आधू ने लगाया होगा क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है वो सच में उन्होंने वन 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 नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा अगर आपको कंसेप्ट है तो आप इसको बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। आपने ऐड किया ये हो गया तीन तो छह सर हमारा आंसर एटी वन बताओ क्लियर है या नहीं है समझे आगे चले अब सवाल देखो पहले ये वाला करते ठीक जो सुन रहे हैं क्या उनको समझ आ रहा है वो एक बार मुझे वो इसका ये दिखाइएगा। ठीक दिखाइएगावन नाइन टेन इज इक्वल टू एट ओके सेवन नाइन टेन इज इक्वल टू एट नाइन इलेवन थर्टी इज इक्वल टू फाइव इलेवन सेवनटीन ट्वेंटी वन इज इक्वल यानी ये जो आपको सिंबल बीच में दिया है ये कुछ मतलब रखता है ठीक है तो पहले ही इस एक को देख के मत आंसर निकालो पहले आराम से देखो आपको लिखा है सेवन फिर कुछ नाइन फिर और यहां पे कुछ ऐसा दिया है इट डज नॉट मीन इट इज प्लस वी डोंट नो वॉट इट इज इट कुड हैल्टीप्लीकेशन इट कैन नेवर बी ए मल्टीप्लीकेशन बिकॉज अ वेरी स्मॉल नंबर ओके इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर बट एनी फिर लास्ट पे डिवीजन भी हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं पहले आराम से देखो ये किसके बराबर दिया है अगर मैं इन दो को एड भी करूं यानी इसको प्लस मानता ये सोलह फिर इसको माइनस ये छह बन गया तो पहले ऐसे हर किसी पॉसिबिलिटी में मत जाओ क्योंकि सबसे आसान होता है पहले एडिशन देखो भाई क्या देखो क्योंकि दूसरा वाला भी तो होना चाहिए ना यहां देखो इसको सबको एक साथ लिखा करो तुम सबको एक साथ ये किसके बराबर दिया है उसके बाद क्या लिखा है टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैंने ये देखा तो मुझे पहले ही इसमें डायरेक्टली क्लिक नहीं हुआ था आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बट हो गया उसके बाद जल्दी हो गया ठीक है अगर तुम इन सबको ऐड करो तो ये किसके बराबर आता था 26 आंसर मुझे अभी पता नहीं अगर मैं इसको ऐड करूं ये किसके बराबर आता है 50 ये जब मैं ऐड कर रहा हूं 28 प्लस ये हो गया तुम्हारा 49 हुआ 49 मुझे यहीं पे क्लिक हो गया क्या क्लिक हो गया मैंने बोला सर ये था ट्वेंटी सिक्स ये हुआ तुम्हारा पचास ये बन गया तुम्हारा फोर्टी नाइन यही आया अब अगर तुम ये देखो यहाँ पे क्या दिया है ट्वेंटी सिक्स के बल्ले क्या दिया है शायद ऐसा हुआ हो जो आंसर है उनको प्लस किया है इधर देखो ये फिफ्टी आ गया इनको शायद प्लस किया हुआ है यहां पे तो पूरी क्लेरिटी मिल गई ये 49 है इनको आपस में प्लस किया है तो 13 तो यहां पे जो तुम्हारा आंसर होता इनको ऐड किया ये हो गया 27 27 प्लस 15 हो गया 42 42 को प्लस किया ये तुम्हारा 6 तुम्हारा आंसर समझ आया नंबर एनालिजी पढ़ रहे हो ना अभी ये वाली चीजें उसमें आ रही है डिजिट के बीच में ऑपरेशन आई होप दिस इज क्लियर क्लियर हो गया बहुत बढ़िया This one. See, how I have taught you these things. ये बोल रहा है let x be लिखने का तरीका देखो ये बहुत सारों के लिए मुश्किल है लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है आप यहां पर गवाह है हर कोई चीज है ना तो ये हर कोई चीज इधर देखो सेवन एक्स प्लस नाइनटी सिक्स कह रहा है एक पॉजिटिव इंटीजर है लेट एक्स बी द पॉजिटिव इंटीजर

देखो 96 के कितने फैक्टर बनते हैं तुम्हारा आंसर आ गया 96 के कितने फैक्टर बनते हैं किसी को याद है क्या करते हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कहां से पढ़ाया था मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया 96 को कैसे लिखोगे तुम लोग क्या बात सिक्स इंटू सिक्सटीन लिख के कर सकते हो ठीक है थर्टी टू इंटू कर लो सीधे थर्टी टू भी तो नाइनटी होता है नहीं आई बात समझ तुमने बोला टू रेस पावर फाइव याद करो हाँ याद है या नहीं है आपने बोला सर इसका मतलब क्या हुआ यानी इसके इतने फैक्टर बनते हैं जितने भी फैक्टर है वो सारे वो नंबर होते हैं क्लियरिटी तो है हो है। से पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है मैं सोल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट टीचिंग यू मैंने बोला सर अब क्या करते हैं इसके बाद हमें प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर लिखना होता इधर क्या है इसको एक ऐड करो छे यहां पे क्या है इसको एक ऐड करो कितना हुआ दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हुआ तुम्हारे बारह फैक्टर बनते हैं तुम्हारा बारह आंसर होगा ये ऐड क्यों करते हैं? याद है ना पढ़ाया है मैंने बस आगे नहीं बोलूंगा मैं हो गया ये भी तुम्हारा इधर चलो भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देख इसको कैसे करोगे तुम लोग आपको भरोसा हो या ना हो बच्चों ने प्रॉपरली इसको लिखा होगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह फिर लास्ट पे ऐड किया होगा क्योंकि किया जा सकता एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ये सबके लिए आसान है या ये है बिकॉज नाउ आई डोंट सी एनी क्वेश्चन विच इज सब स्टैंडर्ड हेयर नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन दैट इज सब स्टैंडर्ड मे बी वन और टू विच आर वेरी सिंपल बट रेस्ट आई डिट सी वेरी 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 गुड आई हैव टू टेक अप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तरीका देखो तरीका देखना अब इसके बहुत सारे तरीके बन सकते हैं बाई द वे अब वीडियो छोटी लंबी नहीं करनी मेरे को ठीक है तो पहले एक दिखाता हूँ दस से किधर जाना है तुम्हें हंड्रेड तक देखना है और ये समिजिट बोल रहा है ये सम ऑफ नंबर नहीं बोल रहा तुम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले ले लेते फिर उसके बाद सम निकालते ना ये सम ऑफ डिजिट्स उनके डिजिट्स का सम बोल रहे हैं मतलब पहले जैसे दस ग्यारह बस एक को पहले स्टडी करो तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस है। हमें पता है क्या बोल रहा है सम ऑफ डिजिट जैसे इसका कितना आ रहा है One. इसका कितना आ रहा है टू इसका कितना आ रहा है Three. फिर इसको आपस में भी जोड़ना है यानी बेसिकली हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो ये करनी है वन प्लस जीरो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस टू यही सो तक तो हम सब डिजिट एक तो आपस में डिजिट का सब और उनका भी सम तो मैं क्या कह रहा हूं अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाते 19 आ गया इसके बाद मैंने यहाँ 20 लिखा 21 22 23 और समझ आ रहा है या नहीं करना तो डिजिट्स का ही सम है मुझे एक चीज बोलो यहाँ पे 1 कितनी बार आया 10 बारी यहाँ पे 2 कितनी बार आता 3 कितनी बार आता और कितनी बार आता 5 कितनी बार आता 9 कितनी बार आता 10 बार 99 नाइन तक मैं 99 नाइन तक बोल रहा हूं तो मैं ऐसे लिख सकता था वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डाइड नाइन ये कितनी बार आया अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये किसका सम किया मैंने पहले डिजिट्स का बताओ इसका सम कितना होता है वो मैंने वन टू नाइन एन इंट एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू या सीधे कर लो कितना होगा कितना होगा एन क्या होगा यहां पे हाईएस्ट नंबर नाइन इंटू टेन डिवाइडेड बाई टू दैट इज नाइन इंटू फाइव दैट इज फोर्टी फाइव काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हर जगह तुमने बोला फोर्टी फाइव ये बन गया कितना चार सौ रखा मैंने साइड पे यानी मैंने इनका ऐड कर लिया ये टेन प्लस इलेवन नहीं करना है हमें सम ऑफ डिजिट्स अब इसके बाद जरा देख लो फिर इसके बाद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन और नहीं आ रही है सम फ्रॉम जीरो अब ये 45 कितनी बार आ रहा है? दस बार नहीं आ रहा है नौ ही बार आ रहा है देखो पहले तुम्हारा वन वाली लाइन में फिर टू वाली लाइन में तीन वाली लाइन में चार वाली लाइन में पांच वाली में। नहीं आ रही है बात दूसरा आएगा फोर्टी फाइव इंटू कितना होता है फोर्टी फाइव इंटू नाइन कितना होता है थ्री हंड्रेड फाइव सॉरी फोर जीरो आ गया चार सौ पांच तुमने दोनों को ऐड किया क्योंकि सबको सम करना था ये कितना बन गया एट फिफ्टी तुमने बोला आंसर ना सर हमने हंड्रेड को छोड़ा था हंड्रेड के डिजिट का सम एक होता है प्लस वन करो कितना आ गया तुम्हारा आंसर समझ आया आगे चलोगे देखो अब ये वाला जो था इट इज अ वेरी मतलब यू हैव टू यूज अ ब्रेन है मतलब जल्दी करने के लिए यू हैव टू यूज ब्रेन नहीं तो अगर काफी टाइम था तो कर लेते एक, एक करके अब ये जो है ये आप लोगों ने नहीं इससे पहला वाला बैच जो है उसमें मैंने बिल्कुल यही पढ़ाया हुआ है ये है आपका कॉम्बिनेशन का सवाल परमिटेशन कॉम्बिनेशन सेम क्वेश्चन डाला था और ये कोई बड़ी बात नहीं है मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है कंसेप्ट पढ़ाए होने चाहिए बट फॉर्चुनेटली ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है सेम टू तो सेम मैंने बोला सर यहां पे जो है यहां पे आपको एक स्क्वायर दिया और बोला कि ए बी सी डी स्क्वायर है कुछ भी नाम कहीं से भी डाल दो ए बी सी डी स्क्वायर है उसके बाद बोल रहा है वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एक पॉइंट हमने ए बी पे लिया एंड सी डी और सी डी पे लिया एंड टू डिस्टिंग ट्राइंगल्स कैन बी यूज यूजिंग एनी अकल की बात है ट्राइंगल तीन पॉइंट से बनता है सिर्फ तीन पॉइंट अगर कोलिनियर हो कोलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में हो तो अब जाके वो ट्राइंगल नहीं

छह में से इसको बोलते हैं सिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्योंकि वो एक साथ हो जाएगा परमिटेशन आपने शायद दिया है आपने दी है मेरी क्लास क्या मैंने ये पढ़ाया है अच्छा ठीक चलो वो तो आने वाला डो यू अंडरस्टैंड यानी आउट ऑफ सिक्स हाउ मेनी सिलेक्ट थ्री एनी थ्री इसका होता है आपका सिक्स फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आप इसको ऐसे फॉर्मूला एनसीआर ये होता है आपका एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई

कर रहे हैं अंडरस्टैंड चले आगे ये चलते रहो चलते रहो अच्छा इतने आ गया क्या दिया है आपको लगा पता नहीं क्या दिया हुआ है ना कह रहा है यार देर आर फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू आर एस टी ठीक है कह रहा है थ्री ऑफ देम थ्री आउट ऑफ फाइव आर इवन एंड टू ऑफ देम आर यानी कोई भी इवन हो सकता था कोई भी अब उसके पास स्टेटमेंट दे रहा है कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम आई कैन इजीली डू दिस और दूसरा वाला भी दे रहा है इज डेफिनेटली चलो देख लेते हैं क्या ये है सही बोल डेफिनेटली इवन का मतलब क्या हो गया डेफिनेटली वर्ड हमने देख यानी किसी भी हालत में तुम किसी को भी ऑड ले लो किसी को भी इवन ले लो आपका आंसर क्या आना चाहिए चेक करते हैं क्या ये है सही है या गलत है। जब मैंने चेक किया मैंने बोला सर एक बात बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो p plus q plus r minus s plus t हां आपको अगर याद होगा आप मुझे बताएंगे पहले बोलो इवन प्लस इवन क्या होता है वेरी गुड बोलो ऑड प्लस क्या होता है इवन बोलो इवन प्लस ऑड क्या होगा odd होगा अब बताओ यहां पे भी इवन माइनस इवन क्या होगा इवन ऑड माइनस ऑड क्या होगा इवन इट ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो इवन सो इट नॉट मैटर अच्छा यहां पे देखो

यहां पे ऑड प्लस इवन क्या होता है ऑड माइनस ऑड क्या होता है और? इवन कुछ भी ले लो इसको शफल करो आपका क्या आ रहा है समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी ले लो कहीं पे भी डाल दो इसको लो तुमने बोला सर हम इसको ऑड ऑड ले लेते हैं और इसको क्या लिया तो इसको एक ऑड लेना पड़ेगा और यहां पे एक नहीं एक इवन लेना पड़ेगा ये एस और यहां पे टी है इसको इवन लेना पड़ेगा इसको ऑड लेना पड़ेगा इज क्या है तीन अच्छा तीन इवन है तो ये भी इवन आ गया ये भी इवन आ गया है ना ऑड और क्या होता है आपका इवन इवन प्लस इवन क्या देगा इवन यहां देखिए इवन और इवन क्या देगा आपका इवन इवन माइनस इवन क्या होगा आपका इवन सो इन एनी केस योर आंसर इज एवन डू यू अंडरस्टैंड और नॉट यानी पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही क्या आपने ये पढ़ा है बिल्कुल पढ़ा है दूसरा वाला देखते हैं सर पहली दूसरी वाली चीज जो है यहां पे क्या दिया है अरे ये तो हमेशा इवन ही बनाएंगे दो का मल्टीप्लाई है तो यार ये इसका मतलब ये है ये जो 2p पी प्लस टू है माइनस टू है इसको मुझे क्या करना है अचार डालना है मुझे मुझे पता है इसका क्या होने वाला है यही है इसको मैंने ऐसे लिखा अरे ये भी इवन है ये भी इवन है ये भी इवन है, है इनका ऑपरेशन भी इवन है यस और नो और आगे जो बचा आपका क्या बचा q प्लस टी अब मुझे बोलो ये इवन है अब क्या बोल रहा है ये आपने बोला सर यहां पे लेकिन आपको वो ख्याल रखना है किस चीज का तीन इवन थे odd. मुझे पता है सर कोई भी ले लो आप फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्यू ऑड आया होता क्या आया होता और ये आपका क्या था लेटर सपोज ये आपका ऑड होता बिकॉज इट इज इस्पेक्टिव ऑफ वेदर क्यू आर एस आर इवन और ऑड यूज एन इवन नंबर आपका क्यू ऑड आता और यहां पे क्या है आपका यहाँ पे आपका इवन है तो दोनों का मल्टीप्लीके दोनों का एडिशन जो है आपको ऑड देगा तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा इवन प्लस ऑड क्या आ गया ऑड पहले एक सेकंड वेट कीजिएगा इसके बाद मैंने दूसरी चीज बोली मैंने बोला लेट अस सपोज ये दोनों इवन होते क्योंकि हो भी सकते थे ना मान लीजिए ये तीनों ऑड थे या दो ही ऑड थे चलो ये, ये दो ऑड थे ये क्या था आपका इवन था ये दो भी इवन आ गए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई बिल्कुल हो गई इसका आंसर तब भी इवन आना है और इसका आंसर भी इवन आना है प्लस इवन क्या हो गया इवन लेकिन इसने क्या लिखा है ये तो बिल्कुल सरासर गलत है डू यू अंडरस्टैंड और नॉट वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बस 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 अब आगे चलते हैं इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी दिया है कंसिडर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड एंडिट नंबर सी पी प्लस सी डिवाइडेड बाई पी माइनस सी कैन बी आपको समझ आया क्या पी क्या लेना है आपको एंड सी इज कॉम्पोजिट नंबर पता है ना प्राइम क्या होता है कॉम्पोजिट क्या होता है बराबर आपको पता है तो मैंने बोला सर एक बात मुझे बताओ पहले इसको देखते हैं पी सी कैन बी सर पी सी कैन बी ऑर्डर पी तो प्राइम है मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो इट ये ऑलरेडी प्राइम है समझ आ रहा है या नहीं अगर आपने फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया होता है इवन से किया होता है या किसी भी नंबर को फॉर दैट केस क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर ले रहे हैं ना अरे किसी भी इवन से किया होता तो नंबर क्या बनता है इवन यू नो दैट इवन इज इवन यू अंडरस्टैंड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है इवन ये ये है, है तो ये आपका क्या बन जाता है इवन बनता अगर ये आपका ऑड होता तो ये आपका ऑड बन जाता है तो, तो आपको बोला गया है कैन बी डेफिनेटली नहीं बोला है कैन बी ये इट कैन बी यहाँ पे कैन बी यस सिमिलरली यहां पे देखो टू प्राइम प्लस दो प्राइम कोई भी हो जब तुमने मल्टीप्लाई दो से किया ये इवन बन गया यानी ये तो इवन है अब डिपेंड करेगा इस वाले पे अगर ये इवन हुआ तो ये इवन बनेगा अगर ये ऑड हुआ तो ऑड बनेगा तो कैन बी ऑड बिल्कुल सही है अब इधर देखो p प्लस सी डिडेड बाई पी माइनस सी पी प्लस सी डिवाइडेड बाई अब आपने बोला सर ये क्या मतलब हो गया आ यार इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो मैंने उठाया फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर को ही उठा लेता हूं मैं जैसे मैंने उठाया प्राइम नंबर जिससे ना आंसर आ जाए इसका कोई ऐसा दे दो मुझे ग्यारह नौ ग्यारह लिया मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या लिया कंपोजिट नंबर है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ग्यारह नौ ये बनेगा प्लस माइनस और ये बन जाएगा आपका एलेवन माइनस तो बीस बटा तो तो ये तो इवन आ गया बोल रहा मन करे आप समझ रहे हो गया दो चार ये बनेगा टू प्लस फोर दैट इज सिक्स दूसरा बनेगा टू माइनस फोर आपने बोला सर ये माइनस में आ गया अरे यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है पॉजिटिव है या नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करना आपको सिर्फ देखना है आपका इवन बन गया या नहीं बन गया इवन आपका पॉजिटिव भी हो सकता था नेगेटिव भी हो सकता था सर तुम्हारा आंसर बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ एक देखते हैं इसके बाद वाला भाई ये बड़ा ही टिपिकल सवाल था बहुत ही जबरदस्त ये मोस्ट ऑफ द पीपल वुल नॉट नंबर क्या है सी ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया कह रहा आपका जो नंबर आ रहा है वो थ्री सेवन डी डी आ रहा है भाई डी जो भी होगा तो डिजिट नंबर ही होगा कह yeah. रहा है उसके बाद वेयर ए बी सी एंड डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट यानी जीरो नहीं है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अ थ्री डिजिट नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी ओके अब डी की पॉसिबिलिटीज बनती है अब देखो अगर डी की पॉसिबिलिटी फॉर एग्जांपल डी 9 होता आपको सारे लेने पड़ेंगे 9 से लेके कहां तक 1 तक पहले कुछ दिमाग में मत लाओ किसी ने पहले ही देख लिया या किसी ने पहले ही लिख लिया वो अलग चीज ठीक है तुमने बोला सर ये बन गया 3799 सेवन और हाँ या ना बोलो मैंने डी को क्या माना नाइन मत मा... लेकिन इसका मतलब है ए को मैंने मल्टीप्लाई किसे किया है नाइन से किया है क्योंकि डी का वैल्यू है नाइन है तब जाके क्या आया क्या ये नाइन का फैक्टर है नाउ के लिए सम ऑफ डिजिट्स एटीन ट्वेंटी फाइव ना ये नहीं बनने वाला आपने हटा दिया आपने बोला थ्री सेवन एट एट चेक करेंगे ओ तरीका देखो सवाल का डिविजिबिलिटी चेक करा रहा है तुमसे तुमने बोला सर इसका मतलब डी क्या होना चाहिए आठ आठ के लिए हम लास्ट के तीन देखते हैं नहीं बन रहा लास्ट के दो नहीं लास्ट के तीन नहीं बन रहा मैंने बोला सर नहीं बन रहा आठ भी नहीं आएगा फिर मैंने चेक किया सात सात तो डिविजिबिलिटी बाई सेवन चेक करेंगे क्योंकि डी का वैल्यू यहां पे क्या है सात यानी एबीसी को मल्टीप्लाई किसे किया होगा

छः चेक किया ये सिक्स सिक्स बन गया इसी तरह मैंने ये चेक किया ये थ्री फाइव फाइव बन गया अब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है छे क्या ये छह से कटता है छ के लिए दो से भी कटना चाहिए और तीन से भी कटना चाहिए हुआ बारह उन्नीस बाईस नहीं कट रहा तुमने इसको भी हटाया थ्री सेवन फाइव फाइव चेक किया ये तो पांच से होना चाहिए ना नहीं आ रही है बात समझ तुमने बोला सर ये होना चाहिए था किससे पांच से बस हो गया भाई ठीक है पांच से होना चाहिए ये पांच से कटेगा ये पांच से कट रहा है तुमने बोला सर वन सेकेंड ये है डिफरेंट है ना अब जरा तुम इसको करो ये बन गया तुम्हारा 615 यही बन रहा है। अरे है सौ पंद्रह इंटू पांच अगर आप करेंगे नहीं सॉरी ब्लंडर कर दिया था मैंने ये कितना आ गया ये बनेगा तुम्हारा 600 से 3000 और तुम्हारा कितना बनना चाहिए 755 हंड्रेड फिफ्टी फाइव इज सेवन बनता है एक से डू यू अंडरस्टैंड और 55 बनता है 11 से यानी 151। तुमने बोला सर ये बनेगा तुम्हारा 6151, लेकिन यहां पे जो तुम्हारा है यही बन रहा है ये पाँच का मल्टीपल है ना यार, इतना बड़ा कैसे अरे क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग फाइव इधर देखो फाइव सेवन हंड्रेड सर थर्टी फाइव हंड्रेड फाइव सेवन हंड्रेड सर थर्टी फाइव हंड्रेड बचा कितना टू फिफ्टी फाइव तो वो चालीस बस हो गया मैम दो मिनट दीजिए ठीक है इधर इधर देखो इधर देखो ये क्योंकि इसकी वजह से फिर रश हो जाता है जस्ट वेवल फाइव इंटू सेवन हंड्रेड कितना होगा थर्टी फाइव हंड्रेड कर दिया साइड पे बचा कितना 255. वो किससे आ जाएगा तुम्हारा फिफ्टी वन से यानी फिफ्टी वन और कितना था इससे पहले मैंने बोला सेवन हंड्रेड इट तुमने बोला ये बन गया तुम्हारा सेवन फाइव वन और यहां पे तुम क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई पर क्या ये? अब देखो क्या ये सही बन गया वेट करना तुम्हें लिखा था ये डिस्टिंक्ट है क्या है यानी यहां पे भी तुम्हारा पांच डी और ये भी तुम दिखा रहे हो बी भी, भी पांच है ये तुम्हारा आंसर अब बचे हम किस पे थ्री सेवन फोर फोर पे नहीं आई बात समझ अगर तुम देखो क्या ये चार से कटता है बिल्कुल कटता है चार से सर कितने से कटेगा देखो नौ सौ से अगर करोगे तो थर्टी सिक्स हंड्रेड आ गया फिर बच गया तुम्हारा वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर कितने से आता है थर्टी सिक्स से आता है आता है थर्टी सिक्स से तो ये बन गया नाइन थर्टी सिक्स इंटू फोर तो ये सारे डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब है नाइन थ्री सिक्स नाइन थ्री सिक्स करना क्या था तुम्हें फिर इसका करना है तो ये कर लो तुम्हारा अठारह होता है तो अठारह अब लेकिन अब मैं एक चीज बताऊंगा मुझे दिख के ही समझ आ गया था जब मैंने यहां पे देखा था इंटली two, मैं पहले से आता रादर देन गोइंग फ्रॉम नाइन वुड हैव सीन वन वन मुझे पता थी वन वन नहीं बनना है टू टू देख लेता थ्री थ्री देख लेता या पहले ही मैं फोर फोर देख लेता क्योंकि फोर फोर यहाँ पे बढ़ा आई थिंक नाउ दिस वॉज वन पार्ट ऑफ इट वी आर गोइंग विद अनदर पार्ट लाइक दिस वन वैसे ये वाला भी बहुत आसान है ये बहुत ही आसान है बस तुम्हें लॉजिक पता होनी चाहिए आई स्टार्ट विद इन द सेकेंड सेशन ऑफ दिस वन मोस्ट प्रोबेबली टूडे आई टेक द सेकेंड वन एज ठीक है थैंक यू वेरी मच आई होप आ रहा है समझ आ रहा है ना थैंक यू वेरी मच